हेलो फ्रेंड्स, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस सिंपलीफाई कैसे करते हैं मैथ्स के, वो सीखेंगे। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, 3/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 3/10 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 36/45 प्लस 16/5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम सिंपलीफाई करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले, कभी भी हमारा कोई डिवाइड का निशान अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले हम डिवाइड के निशान से स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सामने का जो नंबर है उसको उल्टा कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। तो 3/10 को हमने क्या लिख दिया, 10/3 लिख दिया, यानी रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। और डिवाइड के निशान को चेंज करके मल्टीप्लाई लिख दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ओके, तो 10/3 कैसे आया पता चल गया, 3/10 को उल्टा करके लिखने से। नेक्स्ट में क्या करा है, 1 और 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 1 और 10 मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ गया। क्लियर। अब यहां पर 36/45 है, तो ये 9 के टेबल में, सेम टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो हम 36/45 के प्लेस पे 4/5 लिख सकते हैं। क्लियर। और 16/5 को हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 10 और 15 है, ये भी हमारे सेम टेबल में कैंसिल हो जाते हैं, यानी 5 के टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 10/15 के प्लेस पे हमारा क्या आ गया, इसकी जगह पे 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों नंबर्स के नीचे 5 है, तो 5 एलसीएम बन गया, यानी 5 को हम एक बार लिख लेते हैं। और ऊपर के नंबर्स, अगर हमारा बीच में साइन प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर साइन प्लस है, तो हमने क्या किया, 4 प्लस 16 ऊपर लिख दिया। ठीक है, 4 प्लस 16 से बन गया 20, तो 20/5 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे 5 और 3 अलग अलग नंबर है, इसमें सेम नंबर थे इसीलिए हमने ऐसे किया। अब यहाँ अलग अलग नंबर है, तो हम कैसे करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। और नीचे 5 3 जा 15 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरह से अलग नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में, यानी नीचे के नंबर अगर हमारे अलग होते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, और सेम होते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, 9 प्लस 10 से 19 बन गया, और अपॉन में 15। और यहां पर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हम 4 लिख सकते हैं। 19 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 76, 76/15। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेके करते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 - 2/1/2 - 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 1/2 - 1 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स मिक्स्ड नंबर है। जैसे ये नंबर होता है 2 1/2, ये नंबर है, ये मिक्स्ड नंबर है। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1, जो साइड का नंबर है और नीचे का नंबर है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, और ऊपर का नंबर जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो 2 2 जा 4 हुआ था, 4 में 1 प्लस कर दिया, 5, तो हमारा नंबर आया ऊपर 5, और नीचे जो नंबर पहले से था वही रहता है। ठीक है। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 2 1/2 को हमने 5/2 क्यों लिखा पता चल गया। अब यहाँ पर 3 1/2, इसको भी सेम ऐसे ही हम चेंज कर लेंगे, 3 1/2, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2। ठीक है। तो ये हमने 3 1/2 की जगह पे 7/2 लिख दिया। इसी तरह से 1 1 1/4, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5,
तो 5 अपॉन में 4 आ गया। तो इस तरह से इस मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये दोनों नंबर अलग अलग है ना, तो 4 5 20 अभी सीखा था हमने, 2 3 6 और नीचे 2 4 8, 20 में से 6 गए 14 और नीचे क्या है 8 है। इसी तरह से इसमें भी किया, 7 4 28 फिर 2 5 10 और नीचे 2 4 8, तो 28 में से 10 माइनस करके कितना आ गया 18, 18 अपॉन में 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, 14 और 8 सेम टेबल में कैंसिल हो जाते हैं तो काट देंगे इसको, 2 4 8 2 7 14, तो 14 अपॉन में 8 के प्लेस पे उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन में 4 हमने लिख दिया। इसी तरह से इसको भी 2 के टेबल से काटा है, 2 9 18 2 4 8, तो 9 अपॉन में 4 आ गया, 18/8 की जगह पे 9/4 लिख दिया। अब हमारे पास नंबर आ गए 5 -7/4 +9/4। अब इन दोनों के नीचे तो सेम नंबर है यानी कि 4 है, लेकिन इसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 डाल लेते हैं, तो 1 है। ठीक है, तो 1 4 4 सब सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो इसको 4 होने के लिए हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में 1। अब हमें नीचे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया हमारा 20 अपॉन में 4, 5 4 20 अपॉन में 4, तो 20 अपॉन में 4 5 के बराबर है, तो 5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 20 अपॉन में 4 लिख सकते हैं। अब सबके नीचे 4 आ गया है तो हमने एक बार 4 लिख दिया यानी एलसीएम 4 ले लिया। अब ऊपर के नंबर्स जैसे हैं वैसे लिख देंगे, 20 फिर माइनस फिर 7 फिर प्लस फिर 9। अब 20 में से 7 माइनस किया 13, 13 में 9 प्लस किया 22। अब ये दोनों भी 2 के टेबल से कट रहे हैं तो हम काट देंगे इसको, 2 11 जा 22 2 2 जा 4, तो आ गया हमारा 11/2। 11/2 को मिक्स फ्रैक्शन में वापिस चेंज करना है तो वापिस चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 11 अपॉन में 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 से 11 को डिवाइड करो, तो 2 से हमने डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10 लेंगे, नीचे आया 1, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया ना, तो ये आ जाता है ऊपर, इसको लिख देते हैं ऊपर, और जो 2 जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे, और जो यहाँ पर हमारा कोटेंट होता है उसको साइड में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। तो इस तरह से हमने 11/2 की मिक्स फ्रैक्शन बना दी, यानी कि 5 1/2 बना दिया। ओके, क्लियर, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।